सुबह के 10 बज गए हैं, बॉर्डर के लिए निकलने के लिए रेडी है, बट भाई एक तो 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ऊपर से गर्म पानी नहीं आ रहा, तो ना तो ब्रश करने की हिम्मत हो रही, ना आंखों पे पानी डालने की हिम्मत हो रही। मैं कहा छोड़ो भाई, अभी 10 किलोमीटर के लिए भी 1 घंटा लग जाएगा जिस हिसाब से रोड कंडीशन है, तो निकलते हैं। इस तरह का रूम था जहाँ पे कल रात हमने स्टे किया, ठीक है रूम मतलब एक सिंगल बेड लगा हुआ, एक डबल बेड, एक सोफा। ये है भाई छोटा सा एक शहर गाँव आप जो कहना चाहो, यहाँ पे हम रुके थे, ये बाहर हमने गाड़ी लगा दी और होटल का नाम था ट्रैकर्स इन। अच्छा होटल था, रूम मैंने आपको दिखा दिया, ब्रेकफास्ट खाते हैं अभी इंक्लूडेड अपना। और ये वाली जो रोड जा रही है ना भाई, सीधा सीधा वो देखो ये जा रही है 10 किलोमीटर चाइना में सीधा, इतना पास है हमें ना। खैर अब पास दूर का तो क्या ही लेना, हम तो खुद ही चाइना जा रहे हैं, तो वो तो एंटर ही कर जाएंगे। ब्रेकफास्ट में इन्होंने बना के दिया भाई ऑमलेट, साथ में तिब्बतन रोटी, शायद से तिब्बतन रोटी है जहाँ तक आंटी जी बता रही थी, मुझे समझ आया, तो खाते हैं। अच्छा है टेस्ट तो भाई। आज ड्राइव तो ज्यादा करनी नहीं है, बट रोड खराब है जैसे कि मैंने बताया, बॉर्डर तक जो 13-14 किलोमीटर जितना भी है, तो बेल्ट ना लगा ही लेता हूँ, क्यों फालतू में रिस्क लेना है ना।